ਸੋਨੀਏ ਹੀਰੀਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀਏ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਏ ਦਿਲ ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਵੈਲ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਪੀਟੀਸੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਸਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਲ ਆਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਨਸ ਹੈ ਜਿन्होने ਮੇਰੇ ਗਾਣੋ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਆ ਇਤਨੇ ਸਾਲੋ ਸਬ ਉਨੇ ਕੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋ ਸੋ ਹਾਉਨਾ ਥੈਂਕ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਫੋਰ ਲਵਿੰਗ ਮਾਈ ਸੰਗਸ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਪੀਟੀਸੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮਰ ਵੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬ ਜੀ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ क्योंकि uh, मैं अकेले नहीं हूँ बहुत लोग हैं जो बहुत काम करते हैं बिजनेस भी करते हैं और ट्रैवलिंग भी होती है यू you नो know, और uh, उनके जो इंटरेस्ट हैं चाहे म्यूज़िक हो कुछ भी हो आर्ट हो आई थिंक इट्स मैटर ऑफ टाइम यू नो आप कैसे अपने वक्त को यू you नो know, साथ में बैलेंस करते हैं uh, बस हो जाता है आई थिंक लोगों का प्यार है संगीत तो खैर यू नो ऐसी चीज़ है कि जो एक यू नो रबी देन है और मेरे हिसाब से प्यार भी बहुत लोगों ने दिया है आज तक तो बस यही है हो जाता है बस <laughs> वैसे आ, वक्त की आपने बात कही वक्त का असर आपके चेहरे पे भी नज़र नहीं आता बाय गॉड मतलब जिन्नी बारी भी देखें इंज लगता जिम्मे वक्त कितने बन के बिठा लिया तो तो मतलब उम्र इंज लगता जिम्मे कि रोकी गई है इस फिटनेस का की राज है यू नो आई थिंक थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है फिर सर जो तो थोड़े गाने ने तो जितने भी ट्रैक देखे ने फुल ऑफ रोमांस बहुत ही खूबसूरत उन्होंने अल्फाज बड़े खूबसूरत म्यूजिक बड़ा खूबसूरत लोकेशन बड़ी खूबसूरत थोड़ा परसनलीकेशन ज़्यादा वाला लगते हैं मुझे आ, पहाड़ बहुत पसंद है इनफैक्ट अभी रिसेंटली गाना आया था मेरा अभी दिल की बातें एंड उसके पहले जिंदगी हमने एक गाना शूट किया था दोनों हिंदी गाने हैं तो वो गाना डलहौजी में हमने शूट किया और ये दिल की बात है नैनीताल में okay. तो पता नहीं कहीं ना कहीं जाके जो जो लफ्ज़ हैं गानों में तो वो मुझे लगता है कि वो पहाड़ों में एक ना एक सुकून मिलता है हुँ. मतलब गानों को और लव सॉन्ग्स हैं यू नो और शायरी है गानों में तो मैं सोचता हूँ कि पहाड़ ही मतलब यू नो उनको सूट करेगा तो फिर मैंने डायरेक्टर्स को बोला कि भाई हम लोग कौन कौन सी लोकेशन चूज़ करें तो मुझे कह रहे थे कि भाई लोकेशन तो बहुत अच्छी अच्छी हैं हम लोग हिमाचल में कर चुके हैं शूट तो क्यों ना आप चले नैनीताल उत्तराखंड मैंने कहा चलते हैं विल ट्राई दैट यू नो इट्स अ सिटी ऑफ लेक सुंदर जगह है पूरी लेक से ही यू नो सराउंडिंग है तो वहाँ पर गए बहुत अच्छा लगा दो दिन का शूट था बड़ा मज़ा आया मौसम बहुत अच्छा था ठंड का मौसम था यू you नो know? अभी शॉर्ट इन अक्टूबर दिवाली okay. के कुछ पहले ही तो मतलब ठंड शुरू हो रही थी बस hmm. तो लेकिन बहुत मज़ा आया बस वेरी नाइस ठंड <laughs> के आगाज़ में आपने अपने गीत का आगाज़ जी जी सर आ, आपने जब अपनी सिंगिंग का आगाज़ किया था सोनिए ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਹੀਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਰੈਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟਰੈਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟਰੈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਵੈਲ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਹੀਰੀਏ ਆਈ ਥਿੰਕ 2007 ਮੇ ਆਇਆ ਥਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮ एंड उस टाइम बहुत रीमिक्सिस आ रहे थे यू नो मार्केट में तो जो मेरे म्यूजिक कंपोज़र थे उन्होंने बोला कि यू नो शेर भाजी क्यों ना हम लोग एक गाना बनाए एक लव सॉन्ग बनाते हैं एंड यू नो मेरे पास है एक मेलेडी है <laughs> तो मैंने कहा देख लो रीमिक्स चल रहे हैं यू नो अब उस दौर में पता नहीं लोग लाइक करेंगे कि नहीं uh. करेंगे यंगस्टर्स यू नो दे नॉर्मी लाइक यू नो फास्ट सॉन्ग्स फास्ट म्यूजिक लेकिन मैं सोचता हूँ क्योंकि बचपन से ही मुझे मेलेडी बहुत पसंद थी यू you नो know? मैं बचपन से नाजिया हसन जुयब हसन जो, जो पाकिस्तान के पाकिस्टान सिंगर हैं तो उनके मैं गाने बहुत सुना करता था तो हमने बोला तो गिवर ट्राई बस ये गाना आया और मैंने गाया तो मुझे पता नहीं था इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला गाने को क्योंकि बस गा के वी नो दैन रिलीज तो लोगों ने बहुत प्यार किया वीडियो बहुत अच्छा था यू नो वेरी हार्ड टचिंग वीडियो रियलिटी बेस्ड था ਸੋ ਆਮ ਆਲਸਿੰਗ ਫਿਊ ਲਾਈਨਸ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਐ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਜ ਤੈਨੂੰ ਰਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੂੰ ਆਜ ਤੈਨੂੰ ਰਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੁੜਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਸੋਣੀਏ ਹੀਰੀਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਏ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ-ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ 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 ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ बार-बार ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਵ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ एक ही कारण है कोई खास वजह है पीछे नहीं अभी तो रिसेंट जो मेरी आ, दो तीन वीडियोस आई हैं तो उसमें हमने अब ट्रेंड चेंज कर दिया है अब आ, लड़कियां छोड़ती नहीं है बस रोक लेता हूं उनको मैं <laughs> कि छोड़ के ना जाए <laughs> <laughs> आ, लेकिन आई थिंक यू नो एक्चुअली अगर आप देखो लव सॉन्ग्स में जो स्टोरी होती है उसमें आप क्या कर सकते हैं नो दोनों कपल्स को आपस में प्यार होगा हुँ. तो कहीं ना कहीं जाके एलिमेंट तो एक प्लान करना पड़ता है हुँ. तो जो हमने ट्रेंड तोड़ा था लड़की को छोड़ने का वो तेरी याद में एक आया हाँ. था मेरा गाना कलकत्ता में मैंने शूट किया था तो, तो उसमें मतलब बस वो जारी है अमेरिका और मैं बैठा हूँ रेडियो स्टेशन में हुँ. तो वो कहते हैं कि यू नो you know, मैं कहता हूँ बॉब आई हैव टू गो नाउ तो एनी सेज इसल तो बस मैं भागता हूँ यू नो एंड वो कलकत्ता के पूरे रोड्स वगैरह स्ट्रीट्स में उसको एंड में जाके हावड़ा ब्रिज के सामने आकर रोक लेता उसको मैं तो शी शॉक और पंजाबी में डायलॉग्स थे बहुत अच्छे उसमें यार व्याह वास्ते मना कितना सी ते खिंच के थप्पड़ भी मार सकती थी तेरे बिना और किसी ने देखे था मन नहीं करता यू you नो know, तो मतलब एक बड़ा आ, मुझे लगा कि वो एक बिगौड़ी लड़की और एक हाँ। पंजाबी मैं पंजाबी हूँ तो हमने पंजाबी में डायलॉग रखा इसका तो एक अच्छा एक आ, लोगों को पसंद आई ये चीज़ यू नो इट वज वेरी डिफरेंट फील उसके बाद जिंदगी आया ज़िंदगी में भी वो तो खेर यू नो शी यू नो शी डाइज बिकॉज वो मतलब कहती है कि मौत का तमाशा देखने आ जाना वो काफ़ी प्यार करती थी देन अभी अभी केम अभी अभी में भी यू नो हमने दिखाया कि एक हस्बैंड वाइफ की एक स्टोरी है जिसमें वाइफ स्पेस चाहती है यू नो आजकल लड़कियां स्पेस चाहती हैं हर किसी को स्पेस चाहिए पता नहीं या तो आप किसी को बहुत प्यार करते हो तो वो कहते हैं इतना क्यों मुझे प्यार कर रहे हो या किसी को प्यार नहीं करते हो कहते है, प्यार नहीं, नहीं करता तो अब ये बैलेंस नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं नो रियालिटी आई वॉन्ट टू शो यू नो एक स्पेस की रियलिटी आ गई दिल की बातें में एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी अगेन कि भाई हस्बैंड इतना बिजी है अपनी लाइफ में और वो बस आता है यू नो ऑफिस से आया उसने अपना यू you नो know, मीरा को बोला कि मीरा यू नो मेरा, you know, मेरा बैकपैक कर दो ये कर दो तो वो बस बोलती है कि बहुत हो गया यू यू नो नो एंड शी शी समवेयर चले जाती कहीं और ढूंढना उसको मुझे ही ही. तो एंड में बस वही है कि वो मिल जाती है बस यू uh, नो you know, कि खोई तुम नहीं मैं था सब कुछ छोड़ दूंगा के ऊपर डिपेंड है अगर ये नहीं है कि अगले वीडियो में हो सकता है कि लड़की को मैं ना मिलू हाँ। अब मैं गायब हो जाऊं <laughs> तो आप बोलोगे कि आप, आप गायब हो गए <laughs> <laughs> तो आई थिंक डिपेंड्स ऑन स्टोरी स्टोरी के ऊपर डिपेंड है सारी चीजें दिल की बातें जो टाइटल आपने रखा जी, जी. दिल की बातें ही क्यों रखा आपने टाइटल क्यों अलग अलग टाइटल हमने आपके ट्रैक्स के देखे हैं लेकिन इसका टाइटल दिल की बातें ही क्यों? क्योंकि बातें सारी दिल की हैं इसमें you know? मतलब शुरू से लेके एंड तक और जो डायलॉग्स भी थे इनफैक्ट ये गाना बनने से पहले हमने इसका वीडियो का जो कन्सेप्ट था वो ऑलरेडी मेरे माइंड में था क्योंकि मेरी काफ़ी इन्वॉलमेंट रहती है आ, वीडियो कॉन्सेप्ट्स में हुँ, हुँ, और इसमें मेरा मन था कि एंड में ऐसा ही डायलॉग रखें हम लोग जो दिल को छुए यू नो एक इंसान जो एक्चुअली वाइफ से अपनी बहुत प्यार करता है एंड में यही कहता है कि यू you नो know, खोई तुम नहीं मैं था दिल की बातें खोई तुम नहीं मैं था सब कुछ छोड़ दूंगा बिजनेस छोड़ दूंगा नौ से पाँच की नौकरी कर लूँगा मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं तो वो कहती है आ, मैंने कब बोला तो आई दिन आई टेलर जब जब मैं सुन नहीं रहा था उसने बहुत बारी मुझे बोला यू नो शेर आई लव यू लॉट लेकिन मैंने सुना नहीं बिकॉज मैं बहुत बिजी था अपने काम में तो ये इसको एक माइंड में रख के डायलॉग को माइंड में रखे फिर हमने एक यू नो इसके एक लव्ज़ यूज़ किए गाने में जिसमें थे समझाऊं दिल की बातें मैं कैसे तेरे बिन मुझ में नहीं हूँ मैं कहीं जैसे मुझसे ज्यादा मुझ में तू रहती है ना पता ना खबर मुझको ये हुआ कैसे तो एक दिल की बातें आ गई ना सारी मतलब डायलॉग्स को लेके तो इट्स ऑल all... मिक्स एंड मैच यू नो आई थिंक लजी शेलजी ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਠਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਵਕਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰਮ ਵਾਲਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਡੀਸੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੈਲ ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मैनू जरा यह दसो कि जोड़ा लेटेस्ट ट्रैक है जिदी दिल कर रहे हो इस ट्रैक का जो कॉन्सैप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है तो पहले कॉन्सैप्टों ये हर बार बिल्कुल नवा कॉन्सैप्ट लैके आना हर बार बिल्कुल ताजी चीज़ परोसना य कि चैलेंजिंग बन चैलेंजिंग काफ़ी है आज के दौर में अरविंद क्योंकि क्या है कि मैं सोचता हूँ क्योंकि ना जो मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन रियालिटी नहीं है इन लोगों के बीच में और मैं शुरू से लेके कर यू नो एक मेरी टीम बनी हुई है चाहे वो म्यूजिशियंस हैं चाहे वो मेरे यू नो डायरेक्टर्स हैं तो हमने हमेशा यही कोशिश की है कि हम लोग रियलिटी लेकर आए क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है ना वो पेशेंस uh, नहीं उनमें यू नो सब कुछ खट 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 ठा चाहिए यू नो प्राइम ठा डाठा बोलते हैं तो बट आई आई एम अ वेरी पेशेंट अभी भी वो ओल्ड स्कूल की मेरे थाट्स हैं तो मैं चाहता हूँ कि लोग बैठ के यू नो देखें और पेशेंटली यू नो रियलिटी के साथ जुड़ जाए तो बस ये है कि आ, हम लोग काफ़ी यू नो कोशिश करते हैं टीम बैठती है गाने बनते हैं और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्लान करते हैं लेकिन अभी तक अच्छी यू नो अच्छे कॉन्सेप्ट्स आए हैं और यू नो कोशिश रहेगी कि हमेशा फ्यूचर में भी आ, अच्छे ही हम लोग यू नो रियलिटी के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट लेकर आए क्योंकि मैं अनरियल में नहीं आ, कर सकता यू नो और यू नो क्या है कि जो मेरे जो गाने भी हैं मेरी अलग एक फ़ैन फॉलोइंग है यू नो और बाकी जो सब हर सिंगर की अलग एक फ़ैन फॉलोइंग होती है बिल्कुल, बिल्कुल। है ना जी तो सब अपनी जगह बहुत खुश हैं और अच्छी बात भी होना भी चाहिए क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं अपनी जगह तो अब वो जो एक फ़ैन फॉलोइंग है वो मुझे इसी वे में ही लाइक like करती है वो हीरे से जुड़ गई है मेरे साथ यू नो एक बीच में गैप भी आया था मेरा बीच में मैंने कुछ काफ़ी गाने आए नहीं थे मेरे तो लेकिन जब वापस आया तो वो अभी तभी भी थे अब वो सब बड़े हो गए मेरे साथ वो सब यंग थे उस टाइम यू नो आई वाज 26 27 उस टाइम तो यू नो एंड वो सात आठ साल का एक गैप था जब आया तो उन्होंने बोला यार अगेन ही इज़ बैक विद द मेलोडियस तो वो चाहते हैं कि मेलेडी हो शेल के साथ एक जुड़ी है यू नो तो मैं उसी को ही कायम रख के हमेशा चाहता हूं कि अच्छा ही कुछ यू नो प्लान करूं और हम सब मेहनत करते हैं आई थिंक टीम वर्क एंड ऑफ द डे सर जब आज हम दिल की बातें कर ही रहे हैं तो एक चीज़ आप मुझे आज ये भी बता दीजिए कि जब आप एक सुपर हिट ट्रैक दे चुके होते हैं वो सुपर डुपर हिट हो चुका होता है तो फिर नेक्स्ट ट्रैक जब आप चुनते हैं तो उसके लिए फिर आप दिल की सुनते हैं या दिमाग की? मैंने कभी भी नंबर्स नहीं देखे मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ uh, मेरा सोनिया हीरिया यूनिवर्सल म्यूज़िक में आया था और मुझे याद है कि वहाँ पर शिवाजी गुप्ता थे हमारे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आपको अच्छा एक आ, थोड़ा छोटा जवाब दूंगा लेकिन थोड़ा लंबा अच्छी एक स्टोरी बना के तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया मेरा पोर्ट ब्लेयर में शूटिंग था आ, उम्र भर एक गाना लॉन्च कर रहे थे एतबार एल्बम थी हाँ जी जी। तो उनका आया कि शैल पा जी थोड़ा गाना तो हिरी है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मैंने कहा आप खुश हो ना नहीं हम तो खुश हैं आप मैंने कहा नहीं आप खुश हो ना लोग खुश हैं मुझे वही खुशी है बस नंबर्स मेरे लिए कभी मैटर नहीं किए कि वो हिट है या फ्लॉप है क्योंकि देखो हम लोग यार यू नो गायक हूँ और गाने बनाते हैं कोशिश करते हैं कि अच्छा गाना बने एंड लोगों तक पहुँचे अगर लोग उसको लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है अगर वो क्रिटिक्स भी आ गए बीच में वो भी अच्छा है क्योंकि उससे और मैं मेहनत करूंगा यू you नो know? तो सुपर हिट या हिट ट्रैक ने कभी मुझे इतनी इंस्पायर नहीं की कि मैं अगला गाना कैसे बनाऊंगा वो सिर्फ दिल की बातें <laughs> दिल से ही आती है दिल वो दिल की बातें और बस, दिल से निकलती हाँ, हाँ बस बस <laughs> नंबर्स और ये हिट वगैरह आई थिंक इट्स नॉट माय कप ऑफ टीशू से अभी आज तक Uh, कभी मार्टन नहीं किया और uh, ना होगा ऐसे यू नो बिकॉज वो मेरे कैरेक्टर में है सो <laughs> इट्स so uh, तो uh, दिल से कभी ये निकला कि भाई बड़े सारे रोमांटिक ट्रैक हो गए बड़े सारे मेलोडियस ट्रैक हो गए अब इस बार जो है थोड़ा तड़के बड़के वाला थोड़ा शोर शराबे वाला करते हैं इन इनफैक्ट मैंने uh, ही के पहले उसी एल्बम में एक गाना था मेरा नशले सोनी तू uh, पंजाबी गाना था बहुत अच्छा गाना था वो Uh, वो हमने फर्स्ट ट्रैक लॉन्च किया था अच्छा रिस्पांस मिला उसको भी क्लब्स में काफ़ी चलता था वो गाना तो लेकिन uh, पता नहीं मुझे ना लगा कि ही के बाद ना एक पूरा मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एज एन आर्टिस्ट तो वो जो जो मुझे जो प्यार मिला एज uh, अ uh, पता नहीं हिरे के बाद देन आई थॉट केयर क्यों ना मैं यू नो बैलट्स ही मैं अपना कॉन्स्ट्रेशन करूँ क्योंकि आई एम गुड इन बैलेंड्स यू you नो know, मतलब फास्ट गाने ठीक uh, है अच्छी बात है यू नो आई कैन सिंग एज सिंगर आप कोई भी गाना आपको मिले तो आप गाना चाहिए आपको बट आई एम मोर कम्फर्टेबल लव सॉन्ग्स के साथ और uh, आज तक बस वही है कि लव सॉन्ग्स ही मुझे पसंद है और आई थिंक इसी में ही अभी तक तो यही मन है <laughs> और, <laughs> so, और फिल्में किस तरह की पसंद है आपको रोमांटिक uh, फिल्में यार मुझे खैर फिलहाल आजकल तो यू नो आमिर खान की मूवीज छोड़ के तो और की मूवी पसंद नहीं है <laughs> मैं <laughs> तो सोचता हूँ कि रियल आर्टिस्ट वही हैं आपका मन हुआ कि भैया अब हम भी एक्टिंग करते हैं क्योंकि आपके देखो बिजनेस मैन आप हैं लाइव परफॉर्मेंसेज आप करते जी, हैं जी। और बहुत अच्छा गाते भी हैं तो इतने सारे प्रोफेशन सब आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आपने आपका मन है कि चलो एक्टिंग वैक्टिंग भी देखें करें थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट एक्टिंग तो मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ अपने वीडियोज़ में वही थोड़ी बहुत यू नो आई थिंक दैट्स मोर फॉर मी यू नो मोदी अभी इसीलिए तो मैंने ये so... सवाल किया था आपसे <laughs> क्योंकि मेरे को लगा था कि भाई आप जो है ना क्योंकि जितना अच्छा आप एक मॉडल मॉडल आप अपने वीडियोस में करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप फिल्म में भी काफ़ी अच्छा कर जाएंगे फिल्म इनफैक्ट अब देखते हैं अभी अभी तो हर जगह वक्त होता है यू नो आई थिंक अगर वो डेस्ट में है अगर वो किस्मत में लिखा है तो वो भी होगा बट आई थिंक वो ये ना हो कि मैं उसमें यू नो एक अगर मैं एक मूवी कर लूँ तो नेगेटिव इम्पेक्ट ना पड़ जाए वो मेरे सिंगिंग में तो वो मैं चाहता नहीं हूँ अगर वो होगा तो एक म्यूज़िकल लव स्टोरी मैं प्लान करूँगा अच्छी सी जिसमें थोड़ी तनहाई भी हो खुशी भी हो एंड uh, एक सोलफुलनेस भी हो आपको कहाँ ज़्यादा परफॉर्म uh, करने में मजा आता है स्टूडियो में गाने में या फिर अब परफॉर्मेंस लाइव परफॉर्म करें यार स्टूडियो में तो देखो क्या है कि वही आपका प्रोडक्ट है जो लोगों तक पहुंचते है ना शुरू में तो उसके बाद ही आपके जो इवेंट वाले आपको बुलाते हैं कि आइए शो करिए तो आई थिंक आप लोग लाइक करते हैं ना मतलब जो व्यूअर्स हैं वो लाइक करते हैं स्टूडियो की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वीडियो जो बनती है तो आई थिंक स्टूडियो भी अलग एक चाम है वहाँ पर यू you नो know, जब सब लोग uh, क्योंकि मेरे uh, मेरा एक वो क्या है कि आई uh, रिकॉर्ड तो सिर्फ तीन लोग ही होते हैं नॉर्मली hmm. ज़्यादा और मैं काफ़ी लेट नाइट रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा ये okay. uh, क्योंकि uh, मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ अपनी नौ बजे के बाद रात को और फिर चलती है मेरी वो बारह एक बजे तक हाँ okay. uh, तो आई एम अ लेट नाइट पर्सन इवन मायर रिकॉर्डिंग क्योंकि ना no, उसमें मुझे एक बड़ा एक अलग सुकून मिलता है एंड आई फील कि उस टाइम सब लोग सोने के माहौल में होते हैं मैं उठ रहा हूँ और यू you नो know, मेरी आवाज़ जग रही है एंड आई वॉन्ट टू सिंग दिस सॉन्ग दैट टाइम यू नो तो क्योंकि एंड uh, um, वो स्टूडियो में भी हमारे सिर्फ लिरिसिस्ट या मेरे यू you नो know, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो होते हैं okay. और इंजीनियर हैं हम लोग आराम से बैठ के अपना यू you नो know, वक्त लेते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद यू नो जहाँ पर एंड स्टूडियो में जैसे आपने जिक्र किया कि भाई uh, कहाँ पसंद है स्टूडियो में ये है कि आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो यू you नो know, उसमें यू नो यू कैन डू लॉट ऑफ एनहांसमेंट मतलब बहुत okay. सारी आप उसमें इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो अगर कोई चीज पसंद ने ने है, है नहीं आई आपको रिकॉर्डिंग के पास आने का मौका मिलता है लाइव में ये है कि आपने एक बारी गा लिया तो वो तो बस लाइव हो गए ना तो वो फिर रिहर्सल है उसके लिए तो डिफरेंट है दोनों यू नो आई थिंक इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड बोथ आर एंजॉयबल दोनों का स्वाद स्वाद अलग 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 है अच्छा अब जैसे आपने बताया कि दोनों का स्वाद अलग अलग है लाइव परफॉर्म करने का स्टूडियो में परफॉर्म करने का अच्छा बिजनेस मीटिंग में परफॉर्म करने का कैसा रहता है कभी मतलब ऐसा हुआ होगा मुझे हुआ होगा आप किसी बिजनेस मीटिंग पे गए होंगे और वहाँ पे लोगों ने कहा होगा प्लीज एक प्लीज एक एक, एक एक गाना एक गाना एक बारी इनफैक्ट uh, uh, मैं रहता हूँ अब सिंगापुर में तो uh, तो वहाँ पर इंडोनेशिया uh, में काफ़ी मेरा काम है तो वहाँ पर कुछ एंड कहना कि यूट्यूब की वजह से आजकल म्यूज़िक uh, की लैंग्वेज नहीं है यू नो एंड जो डिजिटल जो हमारा जो एक शुरू हो गया है प्लेटफॉर्म तो अभी हर जगह यू नो दुनिया भर में लोग देख लेते हैं यू नो एंड गानों की कोई मीनिंग नहीं है आई थिंक म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज तो और uh, तो मैं एक बिजनेस मीटिंग में था इंडोनेशिया uh, में तो वहाँ पर हमारे जो जो मेरे जो बिज़नेस uh, के जो लोग थे तो हमने बुलाया था मीटिंग के लिए ना एक दो लोगों ने पहचान लिया कहते कि आप आर्टिस्ट हैं यू नो यू सिंग इन इंडिया तो पहले मैंने यू नो अवॉइड किया ये वो अलग एक यू नो चीज़ है और यहाँ पर मैं यू नो सूट बूट में बैठा हूँ टाइम यू नो कुछ तो ऐसे उन्हें बोला कि यू नो बिकॉज शाहरुख खान के बहुत फैंस हैं वहाँ पर इंडोनेशिया में और हिंदी मूवीज़ बहुत पसंद करते हैं मतलब उनका कल्चर बड़ा सेम है हमारी तरह इंडिया की तरह तो उन्होंने कहा प्लीज़ यू नो कुछ लाइने गाइए तो एक जिंदगी गाना आया था मेरा तो वो गाना इनफैक्ट वहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उस गाने और उसमें इंग्लिश टाइटल्स भी हैं तो वो समझ आते हैं नो एंड वो म्यूज़िक की ना ऐसे बताया मैंने कि लैंग्वेज नहीं है म्यूजिक ही है बिल्कुल इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग हो सके तो मैं कुछ लाइने गाना चाहूंगा शायद तुझे ना हो पता बिन तेरे जीना मेरा बेवजह चाहूँ तुझे ये हक दे मिल जाए जीने की मुझे वजह देखूँ तुझे तो बरसती दुआए तेरे लिए ही तरसे निगाहें निगाहे जीना पाएंगे ऐसे तुझ से जुदा होके सासों की कश्ती तू किनारा दे जिंदगी बिल्कुल सॉन्ग है ना मतलब इसमें एक बहुत फील था इस गाने में mm. तो कहीं ना कहीं जाके आ, जैसे यू you नो know, मैं गाता हूँ ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਗੋ ਡੀਪ ਡੀ ਇਨਟੂ ਦ ਲਿਰਿਕਸ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਢਵਾਣੇ ਨੇ ਵਕਤ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟਰ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ मेंशन uh, करते हैं जैसे आजकल फेसबुक वगैरह है हाँ तो हाँ सबके पेजेस हैं तो उसमें लोग मेंशन करते हैं कि भाई यू नो यू नो मेरी वोटी छोड़ के चली गई वापस नहीं आ रही तो मैं सोचता हूँ मैं यार एक काम करता हूँ मैं फिलोसोफर बन जाता हूँ अब यू नो एंड लेट मी बी यू नो मे बी अ यू नो आई शुड ओपन अ ओपनटेंट फर्म जहाँ पर क्योंकि ना आई थिंक लेकिन वो भी क्या है कि यू you नो know, वीडियोस में रियलिटी है ना तो हुँ. वो लोग अपने आप को जोड़ लेते हैं जोड़ते रियालिटी है। में है। तो खुशी भी होती है कि देखो उनको कहीं ना कहीं जाके मेरे गानों से या मेरे वीडियोज से यू नो एटलीस्ट यू नो कुछ तो फील हुआ एंड अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो यू नो समयोदी अदर यही बस गहराई है कि मैं कहीं ना कहीं जाके उनकी गहराई में चले जाऊं और वो उससे निकल के अपनी वोटिन को पकड़ के वापस ले आए घर या अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ के भाई मेरे से गलती होगी मुझे आ जाए वापस यू नो एंड बड़े वो यू नो वाइस वर्सा चाहे वो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड से मिस्टेक्स हुई तो यही है यू नो लिरिक्स भी ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं रियालिटी में यू नो लिंक करती हैं So, और जिदा ट्रैक रीसेंट आया अभी अभी जी वो दे विच जो लिरिक्स वरते ने उन्होंने गल जानना चाहोंगे वो, मतलब दिल विच वो ना कि मतलब दिल्ली में फुरना उन्होंने किमें फुरे हैं वो गाना आप मानेंगे नहीं वो मेरा आज तक फेवरेट गाना है <laughs> हीरे से भी ज्यादा फेवरेट गाना है वो मेरा यू नो एंड क्योंकि उस गाने में हम लोग जब uh, पता नहीं मैं मैं प्लेन में था मुझे याद है मैं सिंगापुर से बॉम्बे आ रहा था तो एक मैंने ना एक कोई मेलोडी सुनी Uh, एक अनप्लग uh, एक गाना सुना मैंने वेस्टर्न okay. गाना था जिसमें सिर्फ पियानो था और एक okay. uh, हल्का सा गिटार था okay. तो मैं जब वापस पहुंचा ना मुझे बड़ा पसंद आया वो गाना एंड वेल आई रीच्ड बॉम्बे तो मैंने इमीजिएटली मैंने विदुदा जो मेरे म्यूजिक कंपोजर हैं तो उनको मैंने फोन किया एंड uh -huh. मैंने कहा विदु जी एक गाना uh, मैंने सुना एंड uh -huh. क्यों ना हम एक गाना एक पियानो बेस्ड एक गाना बनाए यू नो सिर्फ पियानो होगा उसके अंदर कुछ नहीं होगा मेरी आवाज़ होएगी कहते बहुत अच्छा आइडिया पाजी करते हैं आप आ जाओ स्टूडियो कुछ आई थिंक ग्यारह साढ़े ग्यारह रात के बज चुके थे तो मैं ट्रैफिक काफ़ी था तो अब यू नो एंड मैं पहुंचा कुछ बारह साढ़े बारह बजे स्टूडियो पहुंचा तो एंड uh, वो मेरे दोस्त का स्टूडियो है तो अच्छा चलो यू नो ही वाज देर हम लोग बैठे कम से कम दो तीन घंटे हमने बहुत यू you नो know, उसमें दिमाग लगाया कि वो क्या करना चाहिए तब जाके ना ये गाना आया अभी अभी क्योंकि ना वो अभी अभी आया था मेरे ख्याल प्लेन में तो गाने का नाम भी ऐसा बन गया अभी अभी आई वॉन्टिट कि मैं वैसा ही कुछ रखूँ जो मेरे एकदम से ख्याल आया था वहाँ से हमने इस गाने को बनाया और ये गाना आ, जो विमल कश्यप है जिन्होंने गाना लिखा है बहुत ही शानदार ये गाना लिखा मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने इसके लफ्ज सुने बिकॉज बहुत फील था इस गाने इनके लिरिक्स में इनफैक्ट मैं कुछ बात नहीं चाहूंगी कि उस, उस दिया चंद मेरा यू नो इसमें एक पार्ट था इस गाने में जो ये गाना ऐसा है कि इसमें कोई अंतरा नहीं है एक मुखड़ा बस मुखड़े से गाना शुरू होता है अंतरा भी बीच में आता है और एंड होता है है okay. मतलब ये नहीं है कि एक एक अंतरा चल रहा है या सेकेंड अंतरा आ रहा है या मुखड़ा है अभी अभी को आप मुखड़ा ले लो तो उसके बाद एक पार्ट है जो वहाँ से पूरा ये ट्रांजिशन होता है गाने का okay. तो उसकी मैं कुछ गाना चाहूंगा उसके वापस फिर मैं अभी अभी मैं आऊँगा तेरे बिना दिल न तेरे जान जाना तेरे बिना कुछ बिना तेरे बिना सुना जा तू ही मेरी जान तू ही है अरमान तेरे सेवा जाऊँ कहाँ तेरे सेवा सुना जा दबी दबी ख्वाहिश को आज तुम उड़ने दो जरा है आसमामीद का सपनों से भरा खोए खोए तुम यू ना रहो कुछ कह दो ज़रा है गीत ये जिंदगी तुम गुनगुनाओ ना ये दिल कहे दिल में समा जाओ ना आ जाओ ना सुन लो ना दिल की सदा तू कह दे तो ले लू मैं हर गम तेरे खुशी हिले तेरे लब पे सदा द होल ट्रांजिशन मतलब ये इसमें एक हाई uh, नोट से लेके मे ऑक्टेव ब्यूटीफुल वेरी डिफरेंट और ये पूरा पियानो में था ये गाना

तो मैं उसको काफ़ी लाइक करता हूँ लेकिन जो जो आज के जो जो एक्चुअल जो सॉन्ग्स हैं मुझे सोनू निगम बहुत पसंद है एंड इन फैक्ट ही इज़ माई फेवरेट सिंगर एंड आई थिंक उनसे बहुत कुछ uh, सीखने को मिला है यू you नो know, उनकी गायकी से और प्लस um, जिस तरह वो यू नो एक्सप्रेशन हैं जो इमोशंस हैं क्योंकि ना गायकी में क्या है कि आप ठीक है आपके सुर ताल में ओबियसली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन इमोशन और एक्सप्रेशन बहुत अगर आप उसको इमोट नहीं कर पाते ना तो फिर वो क्या है कि वो लोगों तक नहीं पहुंचता है तो मतलब भाई कर दो बया अगर मैसे अभी अभी <laughs> तो मजा नहीं है उसमें hmm. सुर तो वही लग रहा है लेकिन उसमें और, अभी You know, अभी ना नो देख अभी मतलब लगे कि अभी अभी है तो ऐसे आई थिंक फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे जो जितने भी आप किशोर दा यू नो मोहम्मद रफ़ी यू नो एंड सोनू निगम जो मतलब यू नो आर लाइक मतलब द सिंगर्स आई हैव ग्रोन अप टू यू नो लिस्निंग टू दैट ये तो हो गया आप अपने लिए <clears throat> गुनगुनाते हैं उसकी बात ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਕਿਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁੰਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਲੀਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ आ, कहते हैं ना कि बचपन में आ, मम्मी बोला करती थी मैंने कि भाई के यू नो दोस्त वगैरह सब आते हैं बेटे लेकिन सिर्फ एक सब जाने के बाद ना सिर्फ तू एक को याद करेगा वो है आपके मम्मी और पापा यू नो तो मतलब पेरेंट्स कोई आदमी यू नो याद करता है हमेशा कठिनाई में सिर्फ वही साथ देते हैं तो फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैंने हमेशा बैलेंस किया है यू नो फैमिली के साथ टाइम और एंड टचवुड हो जाता है यू नो अच्छा है बिकॉज मैं जो अपने शेड्यूल प्लान करता हूँ तो वैसे ही प्लान करता हूँ कि जब यू नो आ, जब सब लोग फ्री हैं यू नो मैं भी अपने आप को फिर यू नो उस टाइम प्लान करके यू नो ट्रैवलिंग थोड़ी कम कर देता हूँ एंड बट हो जाता है यू नो आई थिंक ऐसे बता दो ना कि दिल की बात है, दिल की बात है। <laughs> बस यू नो तो ये, ये सिर्फ दिल की बात है कि अगर आप उसको नेचुरली uh, वे में लोगे तो वो नेचुरली वे में ही एग्जीक्यूट होगा ज़्यादा सोचोगे तो वो कुछ नहीं होता सर हूँ मैं थोड़े को सवाल पूछना चाहवा जोड़ा थोड़े दिल की गहराई देपया होया जो किसी दस पर जरूर दस के जायजी आवा तो जी जी, साल जब चलता पै इस साल दे तुसी की नवा करना है किन ने प्लान दे गाने की बात है जी मैं अभी चाहता हूँ कि एक अच्छा एक एक पंजाबी गाने में हम लोग काम कर रहे हैं एंड okay. uh, पता नहीं रात को मैं सोरा था तो यह भी अजीब अजीब चीजें होती मेरे साथ तो एकदम से ना एक अजीब सा एक ख्याल आया कि बहुत टाइम से आ, मैंने कुछ पंजाबी फ्यूजन में कुछ किया नहीं okay. हिरी जो एक गाना था अगर आप उसको गौर से सुनोगे ना वो एक फ्यूजन उसमें एक था एक न ताना ता, रबाब चल रहा है और वो गिटार के फंजीव. तो मेरा मन है कि एक मैं फ्यूजन में एक फिर से एक लेकर आऊँ गाना।, okay. गाना काम चल रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है तो होपफुली अभी आई थिंक मेरे हिसाब से ट्वेंटी कुछ मई में मे में उसको मैं चाहूँगा लॉन्च करना जब यू नो समर हॉलीडेज़ यू नो शुरू होती हैं बच्चों की और कॉलेज uh, भी यू नो हॉलीडेज़ वगैरह होती हैं लेकिन यू you नो know, क्योंकि आजकल क्या है कि मेरा वो एल्बम्स जो थी वो अब ये नहीं है कि अब एक एल्बम में आपको आठ गाने करने अच्छे गाने करने कोई नहीं कर रहा आजकल अब सिंगल्स का ज़माना शुरू हो गया है यू नो जब से ये डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है कि यू नो यूट्यूब में भी लोग अब सिंगल्स डालते हैं यू नो चाहे म्यूजिक कंपनीज़ हैं कोई भी हैं तो वही अब सिंगल में आदमी ज़्यादा मेहनत कर सकता है उस टाइम बहुत मेहनत थी उस टाइम आठ आठ गाने बनते थे वो अलग एक मज़ा था उस चीज़ में ना उस टाइम बट अभी भी, भी मज़ा है कि एक गाने में आप अच्छी तरह उसमें अपनी जान लगा दो अरे उस गाने को अच्छी तरह आप प्लान करके यू नो एक पूरा पैकेजिंग करके वीडियो बना के तो पंजाबी में कुछ मन है जी अब देखते हैं होपफुली बस लोगों का प्यार रहे इनकी इंस्पिरेशन रहे और बाकी बिल्कुल <laughs> जी ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਹੇ ਬਟ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਟ ਰਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਟ ਅਬ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੁਇਕ ਫਾਇਰ ਰਾਊਂਡ ওকে ਨੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਅਜੀਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਹਿਲ ਔਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਅਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੋ ਜੇ ਔਸਵਾਲ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਮਸ਼ਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੇਵਰਿਟ ਪਲੇਸ ਘਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਔਸਵਾਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿੰਨੂੰ ਮੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬ ਸੇ ਜੋ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਛਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿੰਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਣੋ ਨਿਕਮ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬਲੈਕ ਬਲੂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰ ਔਰ ਫੂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ कितने कितनी ट्रैवल करते ट्रैवलिंग कर जी बस मतलब घर से अगर वहाँ चले गए अपना दोस्त के घर चले गए वो भी ट्रैवलिंग है अच्छा फेवरेट, <laughs> फेवरेट मूवी फेवरेट मेरी हॉलीवुड की मूवी है फेवरेट अवतार फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित मेरी भी फेवरेट वही है कमाल है <laughs> फेवरेट सिंगर पंजाबी पंजाबी सिंगर जी है मुझे जो बहुत जो दिल से गाते हैं और जिनका मतलब आई थिंक बस

जो मतलब अभी तक रियलिटी में काम किया जी और चा, चा, चाहता हूँ कि और अच्छा हो जो लोगों को बिल्कुल ही मेरे साथ यू नो इन्वॉल्व कर दे मेरे इमोशंस के साथ और फिर समझ जाए मेरे इमोशंस को क्या है? <laughs> अच्छा थोड़ा डर 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 लोग है जी कभी कभी डर लगता है कि पता नहीं क्या सोचना बदल जाए कुछ पता नहीं एलो जी ये साडा क्विक फायर राउंड हो गया जी खत्म और हूँ मेरा शुरू हूँ जी रैपिड फायर राउंड एह मैं तो एक लफ्ज़ के प्रश्न पूछा सिर्फ एक ही होने होएगा तुम भी एक लफ्ज़ के आंसर करने की कोशिश करनी है जी जी रेडी जी शुरू करिए फिर लो जी क्वेश्चन है जी पहला फर्स्ट क्रश स्कूल टीचर पार्टी सॉन्ग ट्रांस टेक्नो हॉप आर एन बी डाइटिंग डाइटिंग मैं करता ही नहीं <laughs> फिर भी फिट स्लीपिंग स्लीपिंग मैं आती नहीं फैमिली वेरी इंपोर्टेंट मनी मनी इज नॉट इंपोर्टेंट

है जब तेरा बस ये दिल की बातें है <laughs> क्या बात है जी क्या बात है बहुत आ आंसर <laughs> मैंने सब तो बढ़िया लग गया एक्टिंग एक्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मी इन माय वीडियोस चल ऑस सिंपल इमोशनल एंड लविंग हैप्पी हीरिए हीरिए इज द हार्ट ना दिल हीरिए मतलब उन्होंने बोलते ना जो बिल्कुल बहुत करीब है hmm. हाँ करीब, करीब. चीज़ है, भी है। Best friend. Best friend मेरा, मतलब यू नो म्यूजिकिंक लाइफ जो है सबसे खुशी okay. yes. अच्छा दोस्त पी पंजाबी नंबर वन सुपरस्टार शुक्रिया ओके जी ख्वाहिश ख्वाहिशें मेरी है सारी तुझसे आपसे अरविंद बस है <laughs> उम्मीद है कि मैं ख्वाहिश <laughs> वैसे ख्वाहिशें तो खुदा ने पूरी हो, करनी होती है हाँ हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते जी, हैं जी, okay. फैन फैन आई वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक मोर देन टेकिंग पिक्चर्स दे शुड लव द म्यूजिक गाने वो प्यार करें और गाने सुने अच्छी तरह हाल फिलहाल जो वक्त है ये सानू इजाजत नहीं दे रहा कि असी होर ज़्यादा गलत बातें करिए कि करिए बड़ा जुलमी वक्त है बड़ा ही ना ए वस नहीं चलता खैर जाद्याद्या असी यह चाहेंगे कि ती अपने फैंस न कहना चाहोगे अपने अंदाज अपने अंदाज से जी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप सबका प्यार मुहब्बत यही हमेशा कामियत रहे मेरे साथ और अपने दिल से पूरी कोशिश करूँगा हमेशा की है और करता रहूँगा अच्छे अच्छे गाने तेडे तो सामने लेके आऊं और तुसी खुश रहो और मेरा बस अभी एक नया पंजाबी गाना जिसमें पूरे जान से हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो आपके सामने बहुत जल्दी आएगा थैंक यू थैंक यू सो मच यार साढ़े शो पी टी सी सुपरस्टार बहुत बहुत थैंक यू सो मच थैंक यू